दस में से दस है भाई साहब आपके, आपने मेहनत की है, काम करके दिखाया है गाड़ी का, बहुत अच्छी गाड़ी बढ़ा दी, टॉप से भी ऊपर गाड़ी लग रही है हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइज एक और वीडियो में आप लोगों के ले आऊँ ऑटो एक्सपर्ट की तरफ से। और गाइज आज हमारे पास आई हुई है फ्रॉन्क्स, और ये हमारा रहने वाला है सिग्मा वेरिएंट। इसमें हमने काफ़ी सारा काम यहाँ पे एक तरह से ना इसको हमने बेस टू टॉप यहाँ पे मॉडिफाई करके दे दिया है। तो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा मेरे हाथ में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की फ्लिप की यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, लोगो पीछे और आगे दोनों ही साइड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। बटन प्रेस करते ही कीज़ हमारी कुछ इस तरह से बाहर आ जाती है, लॉक और अनलॉक गाड़ी कुछ इस तरह से हो जाती है। तो अगर पीछे की साइड से मैं अगर बात करूँ, जैसे कि हम पीछे यहाँ पे खड़े हैं, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमें क्रोम देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं क्रोम गाड़ी थी हमारी, जेन्युइन रहने वाली नक्शा की। और साथ ही साथ पीछे की साइड ना हमने रियर गार्ड भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है, जो कि हमारा फुल एल्यूमिनियम में रहने वाला है। देख सकते हैं कुछ इस टाइप की इसकी लुक आने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टर रहता है ना, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल करके दे दिया है, जो कि कुछ इस तरह की इंडिकेटर पे यहाँ पे हमारी लुक आती है। और जैसे आप अगर लॉक अनलॉक करोगे ना, जैसे मैंने लॉक करा तो लॉक पे भी जलेगी, और साथ में अगर अनलॉक करूँ तो अनलॉक पे भी ये दो बार हमें यहाँ पे ग्लो करते हुए देखने को मिल जाती है। और जो इंडिकेटर अगर आप लगाते हो ना, तो हमें रन करती हुई भी देखने को मिलती है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा पीछे का सेटअप। साथ ही साथ अगर मैं कैमरे की बात करूँ ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा गट्टू फुल मूविंग कैमरा रहने वाला है HD क्वालिटी में। साथ ही साथ साइड्स की अगर मैं बात करूँ, तो देख सकते हैं हमारे जेन्युइन बम्पर कॉर्नर्स रहने वाले हैं, कुछ इस तरह के यहाँ पे हमारे रहने वाले हैं। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लगती है देखने में गाइज। और साथ ही साथ अगर मैं आप साइड में आपको लेकर चलूँ, तो कुछ डिफरेंट आपको लग रहा होगा, तो वाइट कलर की कार थी, जैसे कि आप जानते होंगे रूफ रेल्स यहाँ पे हमें ब्लैक कलर के दिए जाते हैं, टॉप मॉडल के अंदर सिल्वर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने रूफ रेल को टेप करके कर दिया है सिल्वर कलर का, कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमारी लुक देखने में हमारे मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो हमारा पैनल रहता है ना गाइज, ये वाला, इस वाले पूरे पैनल को भी हमने ब्लैक टेपिंग कर दिया है ग्लॉसी ब्लैक में। तो इसको भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हैं कुछ इस टाइप की लुक आ जाती है हमारे पैनल की। और जो एक जो साइड प्रोफाइल होता है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का साइड प्रोफाइल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है हमारी कार का। साथ ही साथ यहाँ पे हमने डोर वाइजर्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए हैं, डोर वाइजर्स के साथ देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमारी विंडो गार्निश रहने वाली है प्रॉपर, फुल फोर पीस वाली नहीं, प्रॉपर हमारी सिक्स पीसेज वाली रहने वाली है पीछे तक बिल्कुल। साथ ही साथ जो हमारा मिडल पोर्शन रहने वाला है, पीछे वाला भी पोर्शन रहने वाला है ना, इस पर भी हमने मैट टेपिंग करी है कुछ अच्छा लुक देने के लिए कार को। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के हैंडल क्रोम्स देखने को मिल जाते हैं, गैलियो ब्रांड के हमारे रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर डोर गार्ड्स की बात करूँ, तो कुछ इस टाइप के हमारे डोर गार्ड्स यहाँ पे रहने वाले हैं, फुल ब्लैक कलर में, साथ ही साथ क्रोम टच रहने वाला है। साइड बिडिंग यहाँ पे हमने इंस्टॉल करके दी है, जो कि हमारी जेन्युइन रहने वाली नेक्सा की, कुछ इस टाइप की लुक यहाँ पे हमें देखने में रहने वाली है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने साइड इंडिकेटर को रिमूव करके यहाँ पे हमने GFX का फेंडर क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल करके दे दिया है, कुछ इस टाइप की लुक आती है। और साथ ही साथ मिरर के ऊपर हमने यहाँ पे क्रोम लगा के दे दिया है, देख सकते हैं मिरर को में क्रोम यहाँ पे हमारा रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं मिरर की बात करूँ ना, एक बार मैं लॉक करके दिखाऊँगा, देख सकते हैं लाइट जलती हुई देखने को मिल जाती है, अनलॉक करूँ तो यहाँ पे हमें फिर से लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये जो हमारा रहने वाला है ना, प्रॉपर इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड रहने वाला है, टॉप मॉडल वाला ये नहीं रहने वाला है गाइज। जो हमारा बेस मॉडल का था ना, उसी को कवर को रिमूव करके हमने जेन्युइन टॉप मॉडल वाला कवर लगा के साथ ही साथ इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है। तो ये जो हमारा रहने वाला है, जैसे कि आप 10,500 दे के पूरा मिरर चेंज करवाते हो, तो उसकी जगह आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ये अराउंड आपका 1500 का खर्चा आता है, और ये आपका पूरा मिरर यहाँ पे चेंज हो जाता है, और कुछ इस टाइप की लुक भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, और प्रॉपर हमारा इंडिकेटर के साथ वर्किंग रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप पे यहाँ पे हमारा बेहतरीन मिरर रहने वाला है। साथ ही साथ थोड़ा और आगे मैं आपको लेकर चलूँ, तो देख सकते हैं जैसे कि हमारा पीछे देखने को मिलता है ना, कुछ इसी तरह का यहाँ पे हमारा आगे भी यहाँ पे गार्निश देखने को मिलती है, हमारी बम्पर गार्निश रहने वाली है फ्रंट साइड की। साथ ही साथ अगर मैं हेडलाइट के नीचे की बात करूँ ना, तो हेडलाइट के नीचे भी यहाँ पे हमारी गार्निश देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा थोड़ा फ्रंट व्यू रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ऊपर DRLs की, तो यहाँ पे हमने पूरा ये चेंज नहीं करा है, ऊपर की साइड ना यहाँ पे हमने LED इंस्टॉल करके दे दिया है, जो कि हमारी वाइट कलर में रहने वाली है। देख सकते हैं कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमारी DRL हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात करूँ मैं हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स गाइस हमें यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर टाइप देखने को मिल जाते हैं। इन हेडलाइट्स के अंदर हमने 220 वॉट्स की बहुत ही ज़्यादा हैवी पावर वाली LED इंस्टॉल करके दी है। अगर LED का मैं एक बार रिस्पांस आपको दिखाऊं इसी जगह पे, तो देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह की यहाँ पे हमारी रिस्पांस रहने वाली LED की। एक बार मैं आपको पार्किंग में भी ले जाकर रिस्पांस प्रॉपर इसका दिखा दूंगा कि कैसे हमारी रहने वाली LED।
साथ ही साथ अगर आगे से मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते होंगे अंदर की साइड हॉर्न हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके जो कि हमारे क्रोम फिनिश में रहने वाले हैं। अगर हॉर्न का मैं आपको रिस्पॉन्स सुनाऊं तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा हॉर्न का रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो गाइस ये तो हो गया सारा हमारा एक्सटीरियर का काम, दिखा दिया मैंने आपको मिरर कुछ इस टाइप के यहाँ पे हमारे रहने वाले, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो अगर पूरा साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का साइड प्रोफाइल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है हमारी फ्रॉन्क सीमा वेरिएंट का। तो यहाँ पे डोर्स अनलॉक करते ही हमारा वेलकम हो जाता है वेलकम लाइट्स के साथ। तो आगे वाले डोर्स में हमें कुछ इस टाइप के फ्रॉन्क्स लिखा हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लू कलर में ग्लो करते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो पीछे वाले डोर्स में भी गाइस यहाँ पे हमें सेम देखने को मिल जाता है, थोड़े छोटे साइज में रहता है क्योंकि पीछे वाले डोर्स का साइज भी यहाँ पे हमें छोटा देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब आपको आगे लेके चलता हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे इंटीरियर और सीट कवर्स की। तो गाइस देख सकते हैं फुल लेदराइट में यहाँ पे हमारा मर्क लेदर के अंदर लाइफ टाइम गारंटी वाला सीट कवर यहाँ पे हमारा रहने वाला है, फुली लेमिनेटेड सीट कवर है और साथ ही साथ फुल बकेट सीट कवर्स रहने वाले हैं। और इस सीट कवर्स की गाइस मैं एक खास बात आपको दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये गाइज यहाँ पे हमारा थाई सपोर्ट रहने वाला है, फर्स्ट टाइम रहने वाला गाइज यहाँ पे हमने थाई सपोर्ट इंस्टॉल करके दे दिया है फ्रॉन्क्स के अंदर। आगे की साइड पे अगर मैं आपको ये पिलो हटा के दिखाऊं तो देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे हमें थाई सपोर्ट देखने को मिल जाती है, पूरा यहाँ से उठा हुआ रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन कुशनिंग यहाँ पे रहने वाली है और जो कम्फर्ट होता है ना वो नेक्स्ट लेवल रहता है गाइज हमारा। देख सकते हैं ऊपर की साइड यहाँ पे हमने ब्राउन रखा है, पीछे ब्लैक रहने वाला है, नीचे की साइड पूरा कॉम्बिनेशन हमारा ब्लैक में रहने वाला है, साइड में बर्फी डिजाइन रहने वाली है, बीच में यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का डिज़ाइन रहने वाला है। देख सकते हैं पूरा जो सीट कवर है ना, सीट कवर मत देखो गाइस, फिटमेंट देखो, और फिटमेंट नहीं देखनी तो आप इसकी क्वालिटी और इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। आप भी ऐसी सीट कवर्स लगवा सकते हैं अपनी कार के अंदर, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेहतरीन लुक आती है इन सीट कवर्स की। पीछे वाले डोर पीछे वाले सेक्शन की अगर बात करूँ तो देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे हमारा सीट कवर जो रहने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे हमारा रहने वाला है। साथ ही साथ इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना तो साइड पैनल्स की तरफ लेके चलूँगा, तो साइड पैनल्स देख सकते हैं गाइस पूरा बर्फी स्टिचिंग में ये पैनल यहाँ पे हमने रेडी करके दिया है। नीचे की साइड जो हमारा आर्मरेस्ट है ये भी हमने पूरा थ्रेडिंग के साथ यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे हमने करके दिया है, जो कि हमारा सॉफ्ट टच रहने वाला है, देख सकते हैं प्रॉपर ये पूरा हमारा सॉफ्ट टच रहेगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। इस साइड भी दिखाऊँ सेम रहेगा बिल्कुल, पीछे की साइड भी कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा देखने को और मिल जाता है हमें। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं इनर क्रोम हैंडल्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल करके दिए हैं, जो कि हमारे टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं, बेस मॉडल में नहीं आते, ब्लैक कलर का आता है, तो उसको भी हमने रिमूव करके MGP का ओरिजिनल यहाँ पे हमने इनर क्रोम हैंडल इंस्टॉल करके दिया है। डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आगे वाले डोर्स में यहाँ पे हमारे फोकल के कॉम्पोनेंट इंस्टॉल किए हमने, जिसका ट्विटर आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस टाइप की प्लेसमेंट आती है ट्विटर की, और गोल्डन लेयर यहाँ पे हमने गाइस डैम्पिंग करी है अंदर और बाहर दोनों ही, यानी कि डबल लेयर यहाँ पे हमारी डैम्पिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप का काम रहने वाला है हमारा सिस्टम का, तो देख सकते हैं गाइस ये हमारा सिस्टम रहने वाला है। अब सिस्टम की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ ना तो एक बार हमारी फ्लिप की को लगा लेते हैं कार के अंदर और आपको एंड्रॉयड स्टीरियो दिखा देता हूँ। तो गाइस बात करूँ अगर मैं एंड्रॉयड स्टीरियो की ना, तो यहाँ पे हमारा निप्पॉन का हमने एंड्रॉयड स्टीरियो यहाँ पे लगा के दिया है, जो कि हमारा प्रॉपर कार प्ले रहने वाला है। Android 9 Pro यहाँ पे हमारा रहने वाला है वेरिएंट इसका, और अगर मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है गाइज, रिस्पॉन्स जो इसका है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है। और निप्पॉन का रहने वाला है देख सकते हैं प्रॉपर ब्रांडेड स्टीरियो रहता है हमारा, 2GB रैम 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं एक बार रिवर्स गियर लगा के दिखाऊँ आपको तो कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, रात हो रही है गाइज इस टाइम, पूरी बिल्कुल रात है, और रिस्पांस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पांस यहाँ पे हमें नाइट टाइम देखने को मिलती है, तो डे टाइम का रिस्पांस भी आप सोच सकते हैं कि कितना अमेजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको नीचे दिखा रहा था तो यहाँ पे हमने गियर नॉब भी इंस्टॉल करके दिया है टॉप मॉडल वाला, जो बेस मॉडल में आता है पूरा ब्लैक आता है। तो इस आगे की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं फ्रंट में हमने USB लगाया, जो कि हमारा वर्किंग रहने वाला है हमारे स्टीरियो के साथ, जो USB हमारा रहने वाला है ना देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा रहने वाला है जेन्युइन। और इस वाले पोर्ट में अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर लाइट्स इंस्टॉल करके दिया है पूरे फ्लोर पे, देख सकते हैं प्रॉपर रहने वाली गाइस, आगे वाले सेक्शन में भी रहती है और पीछे की साइड भी बिल्कुल हमारी प्रॉपर रहने वाली है। और यहाँ से हमने इसका कनेक्शन दिया है, अगर आपको कनेक्शन डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा, कस्टमर के प्रेफरेंस पे इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे रखा है। तो अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये बंद हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्टीरियो के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे स्टीयरिंग की।
तो भाई देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग, यहाँ पे MGP का जेन्युइन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, सिल्वर फिनिश और लेदराइट रैपिंग के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है, देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन सारा वर्किंग रहेगा, नीचे वाले जो सारे सेक्शन है सारे बटन वर्किंग रहेंगे, क्रूज कंट्रोल को छोड़ के पूरा स्टेयरिंग हमारा वर्किंग रहेगा गाइस। कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारा स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है हमें, जैसे कि मैंने आपको साइड लेदर रैप दिखाया ना, साइड के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड भी हमने यहाँ पे प्रॉपर रैप करा है, ये छोटा वाला पार्ट भी यहाँ पे हमारा प्रॉपर रैप रहने वाला है और इस साइड भी हमने प्रॉपर रैप करके दिया है। कुछ भी यहाँ पे जैसे कि दूसरे लोग यहाँ से कटिंग छोड़ देते हैं, कोई भी कटिंग नहीं रहने वाली है, प्रॉपर यहाँ पे हमने रैप करके दिया है। स्टीरियो के नीचे भी अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं सिल्वर क्रोम फिनिश में यहाँ पे हमने AC वेंट्स इंस्टॉल करके दिए हैं, प्रॉपर रहने वाले हैं गाइज हमारे। और एक और बेहतरीन चीज दिखाता हूँ आपको, जैसे कि देख सकते हैं साइड्स में पिलर्स, आप पिलर जो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के कलर के मिलते हैं, उसको हमने रिप्लेस करके लगा दिया है कुछ इस टाइप का ब्राउन इंटीरियर कलर में। तो जो पूरा इंटीरियर हमारा रहने वाला प्रीमियम के साथ साथ लग्जरी के साथ साथ ये हमारा जो रहने वाला है ना, पूरा कलर कॉम्बिनेशन में रहने वाला है। सारे पिलर हमने यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन कर दिए, पीछे वाला जो पार्ट लोग नहीं करते हैं ना वो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर ब्राउन करके दिया है, देख सकते हैं। और पीछे भी यहाँ पे हमारी प्रॉपर स्टिचिंग देखने को मिलती है साइड बाय साइड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रूफ की, तो रूफ पे देख सकते हैं गाइस हमने पूरा यहाँ पे रूफ ब्लैक करके दिया है, कुछ इस टाइप की लुक आ जाती है। लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ, कुछ इस टाइप की हमारी रूफ की लुक रहने वाली है, बिल्कुल प्रॉपर रूफ रहेगी, देख सकते हैं कहीं से भी कोई भी कमी यहाँ पे आपको इस काम में देखने को नहीं मिलेगी। पीछे वाली रूफ लाइट देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमने वाइट LED इंस्टॉल कर दिया है, बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल। और आगे की साइड देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमने रूफ लाइट इंस्टॉल करके दिया है, जो कि क्लिक पे हमारी यहाँ पे वर्किंग रहती है। ये भी हमारा MGP का जेन्युइन रहता है गाइस, कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा काम रहने वाला है इसका भी। और देख सकते हैं गाइस पूरे इंटीरियर में जो काम हमारा रहने वाला है बेहतरीन रहने वाला है। अगर बात करूँ मैं फ्लोरिंग की ना, तो फ्लोर पे आपको 70 मैट्स यहाँ पे इंस्टॉल देखने को मिल जाएंगे। 70 मैट्स के नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी इटालियन डाई वाली फ्लोरिंग रहने वाली है, जो कि हमारी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में रहती है गाइस, फुल बकेट फिटिंग में। और कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमारी मैट्स रहने वाली है, देख सकते हैं। मैट्स के साथ अगर मैं बात करूँ आगे की, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा आर्मरेस्ट रहने वाला है, जो कि हमारा जनरल रहता है MGP का ही, कुछ इस तरह से आगे पीछे हो जाता है और बटन क्लिक करते ही छोटी सी यहाँ पे हमें स्पेस भी देखने को मिल जाती है। और हमेशा की तरह हमने पीछे की साइड जो हमारा रहने वाला है ना, प्रॉपरली यहाँ पे जो USB हमें बेस मॉडल में मिलता है उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने पीछे इंस्टॉल करके दे दिया है, जिसकी आप लुक देख सकते हैं। अगर आपको ये इंस्टॉल नहीं करवाना है ना, तो पीछे की साइड आप प्रॉपर जैसे USB आगे लगी है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी रहती है। तो कुछ इस तरह का काम रहने वाला है यहाँ पे हमारा गाइस फ्रॉन्क्स के अंदर, बहुत ही बेहतरीन काम रहने वाला है, प्रीमियम वर्क रहने वाला है, देख सकते हैं सारे इंटीरियर। एक और बार आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर वर्क यहाँ पे हमारा रहने वाला है फ्रॉन्क्स के अंदर। तो गाइज ये तो सारा काम हो गया फ्रॉन्क्स का। और थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है गाइज, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीट्स लगती है थाई सपोर्ट वाली। तो गाइज फ्रॉन्क्स के बारे में सारा तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसा हमारा काम रहने वाला है, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बार बात कर लेते हैं हमारे कार के ओनर से। तो भैया आप अपने मुँह से ही बता दो आप कहाँ से आए हो। हम कल तो आए हैं जम्मू से छुट्टी, तो हमने बाइक की वीडियो देखी थी, वीडियो देख के ना हमने इनसे बात की, हमें सामान सही लगा, काम अच्छा लगा बहुत ही इनका, बाइक का काम करवाया गाड़ी का, बहुत अच्छा काम किया, संतुष्ट हो गए हम, बहुत अच्छी गाड़ी बना दी, टॉप से भी ऊपर गाड़ी लग रही है हमारी। तो भैया अच्छा लगा हमें कि आपको काम अच्छा लगा, तो अगली बार जैसे आप कोई गाड़ी लेते हो तो यहाँ पे आना पसंद करेंगे आप। जी मैं तो पहले ही सबसे पहले यही आऊंगा गाड़ी काम कराने। तो आपको अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे आप? 10 में से 10 है भाई साहब, आपके आपने मेहनत की है, काम करके दिखाया है गाड़ी का। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, और गाड़ी आपकी बहुत ही अच्छी लग रही है आप। तो भाई फ्रॉन्क्स अब जा रही है, और जो सारा काम हुआ है ना फ्रॉन्क्स का, ये हमारा हुआ है ऑटो एक्सपर्ट करोल बाग में। अगर आपको भी करवाना है ऐसा ही काम, तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और आ सकते हैं ऑटो एक्सपर्ट पे अपनी फ्रॉन्क्स को कुछ इसी तरह का अमेजिंग ज़बरदस्त लुक देने के लिए। तो गाइज बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।